ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। अब ज्यादा लोग आना स्टार्ट हो गए है ना, नैप का पता कि अभी आराम से होएगा, धीरे धीरे होएगा। ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, अभी तक किसी भी चीज में कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ वैसी दिक्कत हो, लाइफ में अच्छा ना जा रहा हो, खोया पाया, किया कराया, मिले बाबे को, पंखे वंखे चला लो यार, गर्मी नहीं लग रही तुम्हें, चला लो ये वाले। हाँ, लास्ट टाइम वाला पढ़ा है, कुछ किया हुआ है, पक्की बात है, नैब की तैयारी छोड़नी नहीं है, आने वाला पेपर जल्दी आ जाएगा, विद इन 1 मंथ 1.5 मंथ आ जाएगा वो पेपर। ठीक है, ओके okay. जो ये हमने लास्ट टाइम किया था, कुछ होमवर्क दिए थे छोटे मोटे, देखे थे? नहीं, बस एक बार करंट के लग जाए, बस हम क्लास ही लगा के इतने खुश हो जाते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या किया क्या नहीं किया, है ना। अभी कौन सा, बाकी जीएस में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी कर रहे हो, अच्छी बात है। कितना तक हो गया ज्योग्राफी में? इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई, बहुत बढ़िया, फिर तो और काम आसान हो जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था हमने, प्लांट बेस्ड है ना कोविड वैक्सीन, किसने बनाई है, कौन सी कंट्री ने, कनाडा ने बनाई है। इससे पहले तक जो कोविड वैक्सीन्स मतलब आ रही थी वो प्लांट बेस्ड नहीं थी, तो वो कौन सी या किस पे बेस्ड थी? जो आपकी कोविशील्ड आई है, कोवैक्सीन आई है, या यूएस में कोई जॉनसन एंड जॉनसन की चल रही है, फाइजर की चल रही है, वो किस चीज पे बेस्ड है फिर? अभी तक अगर हम प्लांट बेस्ड पहली बार कर रहे हैं, है डेड कोरोना वायरस? नो। हाँ, डीएनए बेस्ड, डीएनए बेस्ड वैक्सीन का क्या मतलब हुआ? जीनोम सीक्वेंसिंग बेस्ड। एंटी व्हाट, जो भी आपकी ट्रेडिशनली वैक्सीन्स अभी तक आती रही हैं उनमें वीकेंड या फिर डेड वायरस होता है, कोविड की बात नहीं कर रहा, अभी तक जो बाकी वैक्सीन्स रही हैं उनकी बात कर रहा हूं। बॉडी में जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल जाता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पर अटैक करते हैं और अपनी परमानेंट मेमोरी में उसको डाल लेते हैं कि आगे भी ये कभी आएगा तो इसको अटैक करना है। डेड वायरस और वीकेंड वायरस, वीकेंड मतलब उसका एक और टर्म होता है लाइव वीकेंड अटेन्यूएटेड, ठीक है, अटेन्यूएटेड मतलब उसको वीक किया गया है। कोविड वैक्सीन्स के टाइम पे दो तरह की टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, एक इस तरह की है mRNA, जो यूएस में दोनों वैक्सीन चल रही थी मेजर, वो इस टेक्नोलॉजी पे चल रही थी, मैसेंजर आरएनए। अच्छा, साइंस एंड टेक कुछ कुछ पता है, हल्का सा साइंस याद है, डीएनए आरएनए जैसी चीजें होती हैं, कुछ सुना तो हुआ है ना हमने। जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहते हैं, अगर उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं उसको कहते हैं डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड वाले को कहते हैं आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या चीज है? ये एक तरह का केमिकल है, मैसेज, मैसेंजर आरएनए, जो कि न्यूक्लियस को, जेनेटिक मटेरियल को मैसेज देता है बस जाके,
कि आपने ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए एक तरह का अलग से केमिकल है, ओके। होमवर्क, क्या इंडिया वाली वैक्सीन्स एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो इंडिया में कोविशील्ड कोवैक्सीन चल रही है, ठीक है। इंडिया वाली वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो अभी तक दो चल रही है, सबसे मेजर, ठीक है। फर्स्ट क्लास आज या पहले आए हुए हो? अच्छा फर्स्ट क्लास से आज, ठीक है। बाकी जीएस वगैरह के तो सब्जेक्ट चल रहे हैं ना आपके, आ रहे हो उनमें, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास चल रही है अपनी, हमने ना क्या किया हुआ है अभी नायब तहसीलदार के हिसाब से हम मंथली एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस बार देना है नायब का पेपर, देना है। कुछ पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं, एक बार पीडीएफ में जो पहले वाले पेजेस हैं एक बार खुद अपने बिहाफ पे एक बार नजर मार लेना, ठीक है, ओके। इंडिया में वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है उसका नाम क्या है? इंडिया में वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार ने, हाँ इंद्रधनुष, ठीक है। और अब कौन सा चल रहा है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, ये आ चुका है, ठीक है। जब स्टार्ट किया गया था ये इंद्रधनुष 2016 में, तब ये कितनी डिजीजेस की वैक्सीन कवरेज करता था? स्टार्टिंग में करता था जी 7, अब कितने डिजीजेस कवर करता है जी 12, ठीक है। तो अब आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाए कितनी डिजीजेस की वैक्सीनेशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 अब 12 वैक्सीन की कवरेज करता है। होमवर्क, ये 12 वैक्सीन कौन सी है, किन डिजीजेस की है? जब आप एचएएस या यूपीएससी देने जाओगे वहां पर सवाल ये आएगा कि जी इनमें से कौन सी डिजीज की वैक्सीनेशन यहां कवर नहीं होती है, ठीक है, या होती है वो 5-6 ऑप्शन दे देंगे, 1, 2, 3 and 4, 5 ओनली, 1, 2, 3, 4 and 6 ओनली, ऐसे, ठीक। चलो वैक्सीनेशन वाला पार्ट देख लिया है हमने, नेक्स्ट चल रहे हैं अब डिफेंस, ओके। डिफेंस में सबसे पहला टॉपिक है सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम गेट्स गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, ठीक है। ये एक ही लाइन थी एक्चुअली, आगे चलेगी। इंडिया का इंडिजिनस है पहली बात, हमने एक शिप बनाया है जिसका नाम है इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम, ओके, इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम। ये किस कैटेगरी का शिप है? ये एक डिस्ट्रॉयर कैटेगरी का शिप है। जब आप साइंस एंड टेक में डिफेंस चैप्टर करेंगे उनमें आप देखेंगे नेवल शिप्स कई तरह के होते हैं, जैसे फ्रिगेट्स, ठीक है, जैसे डिस्ट्रॉयर, ठीक है, और बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा नेवल शिप होता है जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ कर सके, उसके आगे पूरा रनवे होता है, उसको कहते हैं जी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये इतना बड़ा और इतना महंगा होता है बनाने के लिए कि एक देश के पास, एक तो पहली बात सबसे बड़े बड़े देशों के पास ही होता है सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएस, रशिया, यूके, इंडिया, चाइना, वैसे गिने चुने कंट्रीज हैं जिनके पास है ही, छोटे भूखे देशों के पास नहीं होता ये। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया जैसे देश के पास भी फिलहाल 3, एक डी कमीशन हो गया, 2 ही है, एक और डी कमीशन होने वाला है, एक ही बचेगा, एक हम अपना नया बनाने वाले हैं। तो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विंग है उनका नाम होमवर्क है जी, ये ढूंढ के आना है, ठीक है। इंडिया में जो सर्विंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके नाम देखकर आने हैं, ये होमवर्क है। होमवर्क तो मैं बोल तो देता हूं, मुझे लगता नहीं कि तुम जाके अगले सैटरडे से पहले देखते हो कि क्या चल रहा था। अगला सैटरडे आ जाता है, अच्छा क्या था, कौन थे आप जरा बताना,
यार क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, हु आर यू? चलो एनी को क्लास में बैठ के 2 घंटे एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा. ओके INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर कैटेगरी का शिप है. ओके इस तरह के विशाखापट्टनम क्लास वाले नेवल शिप्स डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट 15B. यहां पर विशाखापट्टनम क्लास वाले डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं. जो भी इस क्लास में फर्स्ट शिप होता है उस क्लास का नाम उस शिप के नाम पे दिया जाता है. सिंस INS विशाखापट्टनम इज इंडियाज फर्स्ट अमंग 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, इसीलिए प्रोजेक्ट 15B को विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स भी कहा जाता है. ठीक है, इसी तरह से एक हमारे पास स्कॉर्पिन नाम की सबमरीन है. ठीक है, सबमरीन पनडुब्बी पानी के नीचे सबमरीन स्कॉर्पिन क्लास. होमवर्क, ये कौन सी कंट्री के साथ मिलकर हम बना रहे हैं? ठीक है, विच कंट्री हमने ये प्रोजेक्ट ये डील साइन की? फ्रांस. ठीक है, फ्रांस की कौन सी एजेंसी है जिसके साथ मिलकर हमने ये बनाया है, उसकी एजेंसी का नाम क्या है जिससे ये हमने टेक्नोलॉजी ली, उन्होंने पहला हमें बना के दिया, उसके बाद हम लोग खुद इंडिजिनसली बनाएंगे इसको यही देश में. ठीक है, चलो एक बार देख के आओ ये पूरा स्कॉर्पिन. आप एक ही बार सर्च करोगे स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन फॉर UPSC, आपको सारा मिल जाएगा. ठीक, बस डिफेंस का ना क्वेश्चन यूपीएससी में भी मैक्सिमम लेवल यहीं तक आता है कि जी ये स्कॉर्पिन क्या चीज है, इनमें से क्या ये डिस्ट्रॉयर है, क्या ये सबमरीन है, क्या ये फ्रिगेट है, क्या है. 3 साल पहले क्वेश्चन आया था INS अस्त्र धारिणी इनमें से क्या है, डिस्ट्रॉयर क्लास है, सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब बहुत ही न्यूज में फेमस जो रहा होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं ये क्या चीज है. सिमिलरली 4-5 साल 2016 की आई थिंक बात है, ब्रह्मोस मिसाइल उस समय बहुत नई नई आई थी, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सिंपल से 2 स्टेटमेंट पूछ लिए थे. PCS में था ये क्वेश्चन 2016 वाले में, पंजाब वाले में, कि ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है. ठीक है, इस तरह से 2 स्टेटमेंट्स दे दी थी, सिंपल क्वेश्चन इस तरह से. जब भी आप डिफेंस का चैप्टर करोगे उनमें ये बातें 2-3 सारे के सारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो भी है ना सेलियंट पॉइंट्स होते हैं ये सब आप करोगे उसमें. अगर बाई चांस किसी एक ऐसे मिसाइल या किसी के बारे में नहीं पता चल पाता है तो आपका ये ड्यूटी है कि देख लो, ऑनलाइन जाओ, अपने आप से ही उसके बारे में ये 2-3 पॉइंट जरूर लिख लो. ठीक है, ओके. आज नाश्ता वाश्ता नहीं किया कुछ घर से? किया हुआ है? ठीक, आज थोड़ा सा ऐसे सैटरडे था सुबह उठा के ले आए, गलत आदमी आ रही है, सैटरडे को भी क्लास लगवाते हो हमसे, अच्छी बात नहीं है. 1 साल की मेहनत है यार, 1 साल को 1 साल की तरह नहीं देखना है, 1 साल को हर एक दिन की तरह देखना है. बस आज जाना है, छोटे होते थे ना स्कूल नहीं जाने का मन करता था, बस मम्मी आज नहीं जाऊंगा, मम्मी भेज देती थी, वो एक एक दिन ऐड करना है बस अपने लिए, आज के लिए बस सोचना बस आज करूंगा, शाम खत्म होगी अगले दिन सुबह सोचना बस आज करूंगा, ऐसे करते करते 6-7 महीने निकल जाएंगे, तुम बढ़िया प्रिपेयर हो जाओ, यही चाहिए बस. नेक्स्ट, ईरान, इसका जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इनकी बेसिकली इलीट डिफेंस सर्विस है ये, जो इनका
स्पिरिचुअल हेड होता है आयतोला खोमैनी, आयतोला कहते हैं उसको, आयतोला खोमैनी। इस समय खोमैनी साहब आयतोला है। आयतोला खोमैनी का ये बेसिकली पर्सनल गार्ड है जो कि एक्ट्स एज इलीट डिफेंस सर्विस फॉर द कंट्री, ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर, ठीक है। इन्होंने एक मिलिट्री सैटेलाइट, एक तरह की सैटेलाइट लॉन्च की है जो मिलिट्री ऑपरेशंस में हेल्प करेगी। इसका नाम है नूर टू, जो 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में इन्होंने भेजी है अर्थ के, ठीक है। ये सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है ईरान की। सैटेलाइट्स दो तरह की हैं, इससे हमें ये पता लगता है, एक सिविलियन होती है, दूसरी मिलिट्री पर्पस सॉल्व करती है। सिविलियन पर्पस हमारा क्या हो सकता है सैटेलाइट्स में? टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल सही, मैपिंग, सर्वे करना, फॉरेस्ट एरिया का पता लगाना, ओशन का पता लगाना, बर्फ का पता लगाना, ये हो गया आपके सिविलियन पर्पसेस। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन में हेल्प करेगा वो। इंडिया का इस तरह का नेविगेशन में हेल्प करने वाला क्या कोई सैटेलाइट है? ओके, नेविगेशन में इंडिया का इस तरह से हेल्प करने वाला सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स है नाविक, ठीक है। इस प्रोग्राम को IRNSS भी कहा जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यह है सैटेलाइट सिस्टम। इसमें मिनिमम 6 सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं ताकि वो सारे के सारे पॉसिबल एरियाज को कवर कर सके। इसलिए हमने IRNSS 1A, 1B, 1C, 1D ऐसे करके छोड़ी हुई हैं। यह है सैटेलाइट्स का सिस्टम। इनके ऊपर बेस्ड जो नेविगेशन सिस्टम चलाया जाएगा उसका नाम है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ये 3-4 साल पुराने हालांकि करंट अफेयर हैं, बट एकदम से पूछ लेते हैं, फिर न्यूज में बहुत रहा होता है बट एकदम से ध्यान नहीं आता उस टाइम पेपर में क्या चीज। जो इस समय न्यूज में है वो इंडिया के 2 मेजर सैटेलाइट्स हैं। नंबर वन, दो नहीं तीन, नंबर वन एक है जी एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट एक तरह का सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेटरी होती है ना, सुना है अर्थ के ऊपर एक इस तरह से बहुत बड़े टेलीस्कोप लगा के दूर के स्टार्स, दूर के हेवनली बॉडीज उनको देख रही होती है, ये एक सैटेलाइट है जो उसी तरह का काम कर रही है। क्या वर्ल्ड में और कोई फेमस 1-2 सैटेलाइट टेलीस्कोप्स आपको पता है, सुने हुए हैं कोई? एक अभी रिसेंटली डीकमीशन हुआ है बहुत देर की सर्विस के बाद, नासा ने छोड़ा था। क्या आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना है? हबल स्पेस टेलीस्कोप सबसे फेमस अभी तक यही रहा है पूरे वर्ल्ड में, हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब ये डीकमीशन हो गया है, इसका काम, इसका टेन्योर 2012 तक था, फिर भी ये 2020 तक चल गया काफी हद तक। इसी तरह से नासा ने, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, नासा ने एक नया छोड़ा है जिसका नाम है जी केपलर, ठीक है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, ये आपका नया वाला है। जेम्स वेब आने वाला है। जेम्स वेब ना सारी की सारी चीजों के लिए नहीं है,
केपलर हर एक फ्रीक्वेंसी की चीज को देखेगा, जेम्स वेब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए है जी, जैसे कि आई थिंक माइक्रोवेव का है वो एंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का हबल एंड देन केपलर, जेम्स वेब इज फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जेम्स वेब भी सही है आंसर, वो भी वही है, वो भी एक तरह का स्पेस टेलीस्कोप है, बिल्कुल सही। इंडिया वाला का फेमस एक एस्ट्रोसैट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग जो सबसे फेमस अभी लॉन्च करने वाले हैं वो है जी गगनयान। गगनयान ये मैंड फ्लाइट्स, ह्यूमन फ्लाइट इन स्पेस, इसके लिए जाएगा, ठीक है। और तीसरा सबसे फेमस जो इंडिया का को याद रखना है वो भी जाने वाला है जी चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 हमने 2007-08 में भेजा था, उसने पता लगाया था कि मून पे वाटर है, आइस है। चंद्रयान 2 भेजा था, चंद्रयान 2 के साथ हमने लैंडर और रोवर भी भेजे थे, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं, इसमें भी लैंडर और रोवर होगा, मतलब ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा जो उस पर लैंड कर जाएगा, और उसमें से एक छोटा सा रोबोट निकलेगा जो वहां पे आसपास सैंपल इकट्ठे करेगा रोवर, ठीक है। ईरान का NO-2 मिलिट्री सैटेलाइट, ओके। नेक्स्ट, वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को मैन पैड्स दिए हैं वॉर में असिस्टेंस के लिए। मैन पैड्स की फुल फॉर्म है जी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। वीडियो वीडियो गेम खेली है किसी ने कभी? कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वॉरफेयर, ऐसी चीजें खेली है, उसमें आरपीजी देखी है, मतलब आपने एक रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ है या ग्रेनेड लॉन्चर या रॉकेट लॉन्चर होता है आपके पास, उसमें से आप छोड़ते हो, वो सारे आसपास के 5-10 बंदे मर जाते हैं, ये वही चीज है। बट ये सामने वाले को ट्रैक करके मारेगा, मैन पोर्टेबल है मतलब हाथ में पकड़ सकते हो, एयर डिफेंस, एयर में घूमती कोई भी चीजें आ रही हैं, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई जेट आ रहा है उनका, कोई और ऐसा ही उनका ड्रोन आ रहा है, उसको पकड़ के आप पहले टारगेट करोगे, और टारगेट जब ये लॉक कर लेगा उसके बाद ये उसको डेफिनेटली गिरा के मारेगा, ठीक है। क्यों खतरनाक है? कहीं पे भी छोटे से छोटी जगह पे बंदा इसको किसी भी बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। तो इस तरह से मैन पैड्स कहां यूज हो रहे हैं? यूक्रेन में हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली यूएस वगैरह ने यूक्रेन को दिए हैं, ओके। ये शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडिविजुअल्स भी फायर कर सकते हैं या स्मॉल ग्रुप्स कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा, ठीक है। मैन पैड्स, ओके। ये ना न्यूज में कई सारी रशिया से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए जो वॉर चल रहा है उससे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमितिए। लमितिए एक क्रियोल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जी फ्रेंडशिप। लमितिए इंडिया एंड सेशल्स के बीच में, ओके। ज्योग्राफी चल रही है, सेशल्स कौन से ओशियन में एक आइलैंड है? इंडियन ओशियन में, बिल्कुल ठीक है। इंडिया ऊपर है जी यहां पर ऑलमोस्ट, थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर मालदीव्स मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे जाओगे यहां पर सेशल्स दिखेगा आपको, ठीक है। सेशल्स लगभग अफ्रीका के हल्का सा पास पड़ जाता है, मेडागास्कर अफ्रीका इनके पास पड़ जाता है, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज लमितिए। ये क्या चीज है? IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन के
लिटोरल स्टेट्स, लिटोरल स्टेट्स मतलब जिन जिन कंट्रीज को ये ओशन टच करता जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड से सबसे स्टार्ट करो, अफ्रीका में सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऊपर तंजानिया, मोजम्बिक, ऊपर सोमालिया, जिबूती, फिर इधर आ जाओ थोड़ा सा अरेबिक कंट्रीज की तरफ, यमन है, ओमान है, फिर ऊपर जाओगे पर्शिया, सऊदी अरेबिया, इधर ईरान मतलब पर्शिया, फिर पाकिस्तान, इंडिया, नीचे श्रीलंका, बीच में ये हो गए मालदीव, सेशल, फिर इधर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इधर आ जाओ और ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे क्या हैं? लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन। देखा हुआ इंडियन ओशन कभी? ठीक, पता चल रहा है मैं जैसे कंट्रीज बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज। ये क्या चीज है इंडियन ओशियन कमीशन, ये क्या चीज है? जो अफ्रीका, हाँ बोलो बोलो, अफ्रीका में जो नीचे नीचे वाले तीन चार देश हैं, ये मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पहले फ्रेंच रूल था, ए आ ये क्या चीज है जी? नॉट सस्टेनेबल। फुल फॉर्म लिख लो फटाफट से, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, फॉर का एफ छोटा, ऑल का ए बड़ा, फॉर ऑल इन द रीजन, इन आई छोटा, द टी छोटा, रीजन आर बड़ा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं यहां पर सबके लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ एंश्योर करवाई जाएगी। उस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल में मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व है, सेशल्स के साथ है, लमीती है, अभी एक और हम करने वाले हैं नीचे, यहाँ नहीं है, चलो ठीक है, मालदीव्स के साथ इस तरह की एक्सरसाइज, उसका क्या नाम है, सुना हुआ कभी नहीं, चलो छोड़ कोई बात, हाँ मालाबार, नहीं मालाबार चार देशों के बीच में है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स के साथ कुछ और है, हाँ जी थोड़ा ऊंचा बोलो, क्वाड कंट्रीज, हाँ मालाबार क्वाड कंट्रीज वाला है, पर मालदीव के साथ मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। चलो, बहुत सारी कंट्रीज की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे जैसे होती जाएंगी हम उनके नाम याद करते जाएंगे धीरे धीरे, अभी सेशल्स की है, लमी की है, ऊपर जाए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? नहीं दुशानबे नहीं, अस्ताना नहीं, ताशकंद, किसने बोला? नाइस, ठीक है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी डेथ हुई थी उनकी 66 में, इंडिया पाक वॉर हुआ था, रशिया उनकी सुलह करवा रहा था, यहाँ पे गए हुए थे, डेथ हो गई थी, ठीक है, ओके। इनके साथ उज़्बेकिस्तान के साथ हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दसलिक, दसलिक का भी नाम वही होता है, दोस्ती बेसिकली उनकी भाषा में, ओके, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दसलिक बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज़्बेकिस्तान। आई एम हैप्पी कि आपको बाकी एटलीस्ट कम से कम कैपिटल के नाम तो याद है, किस कंट्री के, चलो वो धीरे धीरे याद रह जाएगा, चलो अस्ताना आपने सुना हुआ है, अब आपने ताशकंद इसका नाम सुन लिया है, नाइस, दुशानबे, ये ना इनके देखो जब तक तुम इनको अपने लिए फन नहीं बनाओगे ना तब तक ये याद नहीं रहेंगी, दुशानबे ताजा ताजा दुशासन, दुशानबे
तजिकिस्तान, ठीक है? यू हैव टू मेक सच सच निमोनिक्स फॉर योरसेल्फ कि आपको उसमें बाद में एकदम से स्ट्राइक करे दुशान पे तजिकिस्तान, ताजा ताजा दुशान से, ठीक? मतलब कुछ भी एब्सर्ड सा, बिल्कुल वियर्ड सा होना चाहिए, बट वो एकदम से हिट कर जाए। जैसे वो एस्टोनिया की कैपिटल कौन सी थी? आपके सिर पे मारूंगा, क्या हो जाओगे? आपके सिर पे मारोगे, मारा मैंने पत्थर स्टोन, आप क्या हो जाओगे? टल्ली हो जाओगे, टल्लिंग, ठीक है? ये मतलब बिल्कुल एब्सर्ड सी चीज अपने दिमाग में रखनी है जो एक सेकंड में आपको याद दिला दे। नेक्स्ट, हवा सॉन्ग 17, ठीक है? वो पता नहीं कोरियन इनको क्या बोलते होंगे, हवा, हम तो हवा सॉन्ग ही बोलेंगे इसको, ठीक है? इन्होंने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है नॉर्थ कोरिया ने, उनकी अब तक की सबसे बड़ी आईसीबीएम है। हालांकि इस महीने उन्होंने दोबारा से एक और छोड़ने की कोशिश की है, वो इससे भी बड़ी है। चलो, वासोंग नाम की चीज जो है वो नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल अपने प्रोग्राम में, ओके, ये बलिस्टिक मिसाइल क्या होती है पहले ये बताओ। सीधी जाती है, बाकी टेढ़ी जाती है, पैराबोलिक बात होता है, पैराबोला। क्रूज मिसाइल का पैराबोलिक होता है बैलिस्टिक का, क्रूज का पैराबोलिक, ठीक। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये, ओके। क्रूज मिसाइल में क्या होता है जी, ये मोस्टली शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है। शॉर्ट रेंज मतलब क्या, यहां से फेंकी वहां गिर जाएगी। इनकी भी 100, 200, 300, 400 किलोमीटर होती है, इतनी भी शॉर्ट नहीं है। बट इंटरकॉन्टिनेंटल 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 किलोमीटर, ये हवा सॉन्ग जो है ये 5,000 किलोमीटर प्लस, चाइनीज हैं तियाने करके वो 7,000 किलोमीटर प्लस की हैं। रशिया ने अभी एक रिसेंटली बनाई है जो हम लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कस किया था, वो 10,000 किलोमीटर प्लस की है और वो डेवलप कर रहा है 15,000 प्लस किलोमीटर की। ग्लोबली वो जहां मर्जी मारना चाहे, जिसको मर्जी मारना चाहे, वो मिसाइल छोड़ सकता है उसमें। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल ये जमीन से उठेगी इस तरह से, फिर उसके बाद ये ग्राउंड के पैरेलल चलेगी और अपने टारगेट पे जाके हिट करेगी जहां पर भी होगा। इसमें गाइडेंस सिस्टम बहुत ज्यादा सटीक होता है, वेरी वेरी एक्यूरेट। और इनमें एक खास बात ये होती है, जब ये ग्राउंड के पैरेलली यूं चल रही हैं, ये जमीन के इतनी पास, इतनी कम एल्टीट्यूड पे उड़ेंगी कि जी ये रडार की पकड़ में नहीं आ पाएंगी। रडार ऐसे खड़े होते हैं ऊपर, वो अपनी वेव्स छोड़ते हैं, जिससे टकरा के वापस आती है उनको पता चल जाता है। बट रडार के भी सेंसर्स के नीचे उड़ने की क्षमता रखती है क्रूज मिसाइल, ठीक है? क्रूज मिसाइल शॉर्ट रेंज है, ज्यादा एक्यूरेसी है इसमें, रडार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इनमें होती है। ऑन द अदर हैंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह जाएगी, यहां नीचे बना रहा हूं, ये जाएगी जी, मान लो यहां पे हिट करना है, ये टारगेट है आपका ए, यहां पे आपको हिट करना है, आपने जी यूं छोड़ी, ये पैराबोलिक पाथ लेगी और आजकल कैसी चल रही है बैलिस्टिक मिसाइल, यहां पे जाके थोड़ा सा रह गया, जब एक शहर है या दो शहर है, यहां पे ये तितर बितर हो जाएगी, इनमें से 15 मिसाइलें निकलेंगी आगे और वो हर जगह जाके ठीक है। ये जो इतनी ऊपर, इतनी दूर इसने कवर करना है ये डिस्टेंस, हजारों किलोमीटर में बैलिस्टिक मिसाइल ने, हम बात कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल्स की, तो इसको हाइट भी इतनी लेनी पड़ती है कि ऑलमोस्ट स्पेस में चली जाती है। स्पेस कहां से स्टार्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर कर लिया चैप्टर ज्योग्राफी में, स्पेस कहां पे स्टार्ट हो जाता है हम मानते हैं, कितना किलोमीटर ऊपर, हाँ
कल का हो? ऑनलाइन वाला कोई जवाब वाला पर नहीं आ रहा। 3600 10 किलोमीटर, 20, 50, 100, 500, 1000 कुछ तो कम करो। 88 किलोमीटर तक तो जी होमोस्फियर होता है, मतलब वहां तक तो सारी गैसेस प्रेजेंट है, उसके ऊपर हेट्रोस्फियर चालू होता है, यानी उसमें अब भारी गैसें नीचे हल्की गैसें ऊपर। 100 किलोमीटर ऊपर से हम लोग स्पेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें, ये स्पेस में घुस जाते हैं। अभी जो ऊपर किया था ना मिसाइल, मिलिट्री सैटेलाइट, सॉरी इसका लोअर टू आ गया, ये 500 किलोमीटर ऊपर जाएगा। 500 किलोमीटर इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, हाई अर्थ ऑर्बिट या हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट, वो बहुत ज्यादा ऊपर, हजारों किलोमीटर ऊपर निकल जाती है। चलो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका पैराबोलिक पाथ रहेगा, ये ऑलमोस्ट स्पेस में घुस जाएगी, इसके पास स्टेल्थ वाली डिटेक्शन वाली बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, क्योंकि बहुत दूर ट्रैवल करना है, बहुत बड़ा पेलोड, बहुत न्यूक्लियर जैसा पेलोड लेके इसको जाना है, तो मुश्किल होता है इसके लिए। ओके इंडिया में जो आईसीबीएम है, क्या है हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या है हमारे पास? है, कौन सी वाली, क्या नाम है? नहीं ब्रह्मोस नहीं, ब्रह्मोस तो 300 किलोमीटर से अब 600 किलोमीटर रेंज की है उसकी, तो उसकी तो रेंज ही कुछ नहीं है। दैट इज अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इसके टाइप ऑफ फ्यूल किए हुए तुमने जिसने साइंस अटैक किया हुआ है? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल है ना, क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रूज मिसाइल में आप सॉलिड फ्यूल मोस्टली इस्तेमाल करते हो, उसको फटाफट एक्यूरेसी चाहिए होती है, बहुत फास्ट जाना होता है, सॉलिड फ्यूल फटाफट बर्न होता है, एफिशिएंटली बर्न होता है। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड मिला के बैलिस्टिक में डाला जाता है। इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हमारे पास है? आंसर इज यस, हमारे पास जो जी अग्नि सीरीज है वो सारी के सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं हमारे पास। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी लाने लगे हैं अब हम लोग, ठीक है? इनकी रेंज ऐसे ही है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ऐसे किलोमीटर रेंज है अग्नि अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स, ठीक है? नेक्स्ट किंजल मिसाइल्स, ये अभी डेवलप की है कौन सी कंट्री ने? रशिया ने, ठीक है? ये वही यूक्रेन रशिया वॉर में नई टेक्नोलॉजी, नई मिसाइल्स ये लोग यूज कर रहे हैं, तो इस मिसाइल का थोड़ा थोड़ा नाम हमें ध्यान होना चाहिए, राइट? मैन पैड्स हमने देख लिया, किंजल मिसाइल्स देख लिया। नेक्स्ट है जी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? चाचा चौधरी उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तुम सबका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है एक्चुअली, तुम्हें बस पता नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है अभी। तुम सोचते अरे मेरे तो दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, तुम्हारा शरीर चल रहा है, कितनी ज्यादा एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है ना। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं भाई? हाई स्पीड कंप्यूटर, ठीक है? एक नॉर्मल कंप्यूटर के फंक्शंस से एक सुपर कंप्यूटर थाउजेंड्स या लैक्स या करोड़ ऑफ टाइम फास्टर कंप्यूट कर सकता है सेम कैलकुलेशंस। इसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इनका जो स्पीड है वो किस में मेजर किया जाता है? फ्लॉप्स, बिल्कुल सही। अब जो आजकल सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड पीटा फ्लॉप्स में है, पीटा फ्लॉप्स। अब क्या ये बहुत कोई छोटा है कि बड़ा है, क्या लगता है? अभी आप बोले पीटा मेगा ले देना, बिट्स बाइट्स मेगा बाइट्स, ये तो तुमने सुने हुए हैं। एमबीज में तुम्हारा डेटा जब खर्च होता है, इंस्टाग्राम फटाफट 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 देख रहे होते हो, एमबी के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। कितनी गीगाबाइट एक एमबी हो, मतलब 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी एमबी? 1024। कितने मतलब 2 टू पावर कितना? चलो ठीक,
मान लिया ओके, 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट होगा, है ना, इतने 1024 GB हो गया। उसके बाद क्या होता है, 1 टेराबाइट के ऊपर क्या होता है, इतना तो हमें पता ही नहीं, और वो पीटा में पहुंचे हुए हैं। अच्छा एक गूगल क्या होता है, गूगल, GOOGL, गूगल, नहीं गूगल ने अपना नाम वहीं से निकाला, गूगल से, 100 to power 100 तो गूगल कहते हैं, उसके हिसाब से दुनिया का सब कुछ इसमें समा सकता है, 100 to power 100। चलो टीबी, टीबी के ऊपर बहुत 3-4 ऊपर लेवल जाके पीटा फ्लॉप होता है, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा। पीटा फ्लॉप्स में आजकल इनकी कंप्यूटिंग चलती है, इंडिया वाले जो है सुपर कंप्यूटर जो हाईएस्ट है उनकी 5-6 पीटा फ्लॉप के लगभग है, हाईएस्ट जो है सबसे ज्यादा तेज सुपर कंप्यूटर किसके पास है इस समय, जापान के पास है, उसका 80 फीट पीटा फ्लॉप के लगभग है स्पीड उसकी, हमसे भी 5 × 16 गुना स्पीड है, हमारे वाले से भी तेजी से। तो इंडिया में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने के काम आता है, इंडिया में कौन डेवलप कर रहा है जी, सीडैक एंड आईआईएससी बेंगलोर, ये बीएससी नहीं है आईआईएससी है, ठीक है, सीडीएसई यहां पे मोहाली में है उसका सेंटर, अगर कोई जाना चाहे, कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर ने एक परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर इस तरह से लगाया है, ठीक है, ये जिनके नाम के सामने परम लगा होता है ना, सुपर कंप्यूटर लगाते हैं, बीच में दूसरे नाम वाले भी आते हैं, जैसे बीच में प्रज्ञान नाम का एक आया था 2018-19 में, बट परम नाम वाले सारे सुपर कंप्यूटर होंगे, ठीक है, ओके, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, मतलब सुपर कंप्यूटर मिशन, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, बिल्कुल सही आंसर, वेदर फोरकास्टिंग, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ फिनोमिना कॉल्ड मॉनसून, इंडिया में मॉनसून आ रहा है, मतलब देर इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जो कि इंडिया में रेनफॉल कॉज कर रही है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। ये मॉनसून जैसी चीजें इतने ज्यादा कि हम लोग एक या दो फैक्टर को जो कि डायनामिकली चेंज हो रहे हैं, हर सेकंड चेंज हो रहे हैं, विंड स्पीड, टेम्परेचर्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड कवर, सनशाइन, प्रेशर, एल नीनो, ENSO, ये कर चुके हैं, एल नीनो कर लिया है ना, ओके वो कर लिया है, इंडियन ओशन डाइपोल नहीं किया, चलो छोड़ो, ENSO किया हुआ है, एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन कर लिया है, आया ना, कर लिया है, ओके, एल नीनो यानी कि जो आपका पैसिफिक ओशन है, रूटीन में साउथ अमेरिका वाली साइड कोल्ड करंट चल रहा है, आपका ईस्टरली विंड्स चल रही हैं जो कि पानी को बहा बहा के ऑस्ट्रेलिया के शोर पे इकट्ठा करती रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन खूब बड़ा होता है, खूब सारा समय मिल जाता है पानी को गर्म होने का, ऑस्ट्रेलिया पे जब तक वो पहुंचता है खूब गर्मी होती है, वहां गर्मी है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर हवाएं ऊपर, बारिश वहां पर, साउथ अमेरिका के पास कोल्ड करंट, हाई प्रेशर, नो रेनफॉल, सूखा, डेजर्ट एरिया है बिल्कुल साथ, साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड में देखोगे तो। बट एल नीनो में क्या होता है, रिवर्स फिनोमिना चालू हो जाता है 3 से 7 साल बाद, जो भी पानी, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, एल नीनो के समय जो ये ईस्टरली पानी इकट्ठा हो रहा था जी ऑस्ट्रेलिया के शोर पे, एक काउंटर करंट, काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट स्टार्ट हो जाता है चलना इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ, यहां वाला जो कोल्ड करंट आ रहा था इसको ये उल्टा कर देता है, यहां पे ये वार्म करंट बहना स्टार्ट हो जाता है, यहां पे
साउथ अमेरिका में फिर लो प्रेशर बन जाता है, यहां पे रिलेटिवली हाई प्रेशर बन जाता है। पहले हवाएं कैसे चलती थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी यहां से यहां पहले नॉर्मल में, अब क्या हो गया है एल नीनो जब आ गया, इसकी वजह से यहां हाई प्रेशर बन गया है ऑस्ट्रेलिया पे और यहां लो प्रेशर, यानी हवाएं उल्टी चलनी स्टार्ट हो गई हैं। इसको कहते हैं सदन ऑसिलेशन, एल नीनो की वजह से आने वाला सदन ऑसिलेशन। ये कर चुके हो, नहीं किया अभी तक, किया हुआ है मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा थोड़ा किया हो सदन ऑसिलेशन, ये पता चल गया तुम्हें। इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है इंडियन मानसून पे, जब एल नीनो आ जाता है इंडियन मानसून खराब हो जाता है उससे, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, और जो ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट है वो खराब हो जाता है, आपके जो मानसून को फीड करने वाला हाई प्रेशर है वो वीक हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून की विंड्स और इंडिया की तरफ आने वाली वीक हो जाती है। ये किया ने अभी तक नहीं किया है, किया हुआ है, चलो ठीक है। मेरे को ऐसे ब्लैंक फेसेस दिखते हैं, मुझे लगता है कि यार पता नहीं बहुत कुछ ज्यादा बता दिया। किया हुआ तुम सबने, मुझे पता है किया हुआ ना, किया हुआ है, यस इट इज नीदर यस इट इज नीदर नो, चलो कोई बात नहीं, कर लोगे सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ बताने का पर्पस ये है, मॉनसून इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, रियल टाइम में बहुत सारी चीजें उसको खराब या सही करती हैं, उतनी कंप्यूटेशन करने की पावर सिर्फ सुपर कंप्यूटर के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ये है जी इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। धर्मा गार्डियन इंडिया जापान, लमितिये किसके बीच में थी, इंडिया और सेशल्स के बीच में। इसी तरह से इंडिया और श्रीलंका की, ये बड़ी आसान है याद रखनी, स्लाइनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, स्लाइनेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। हालांकि ये लोग पूछते नहीं है कि आर्मी की कौन सी है नेवी की कौन सी है, स्लाइनेक्स नेवल एक्सरसाइज है, नाम से पता चल रहा है। और इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जाएगा गुरुग्राम में, ये ना एक प्राइवेट बॉडी है बहुत बड़ी, गुरुजी हैं कोई, वो वर्ल्ड पीस सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे यूथ को बुलाया जाएगा, उनको ट्रेन करेंगे, उनको ठीक है उस तरह से प्रमोट करेंगे कि वो आगे वर्ल्ड में जाके पीस प्रमोट करें। गुरुग्राम गुड़गांव में इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। नेक्स्ट इकोनॉमी, यहां पे हमारे पास मेजर मेजर कुछ एक स्कीम्स आएंगी, विमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, आरबीआई एनपीसीआई इनके द्वारा कुछ एक नए इनिशिएटिव्स आएंगे, पेपर में यही एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है विमेन्स डे 2022 8 मार्च, एमएसएमई के मिनिस्टर, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या आपको नई डेफिनेशन याद है एमएसएमई की, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाली, नहीं की हुई चलो मैं आपको भिजवा दूंगा। एमएसएमईज की पहले डेफिनेशन होती थी अकेली इन्वेस्टमेंट पे, सर्विसेज के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए अलग। 2020 ऑनवर्ड्स इन्होंने नई डेफिनेशन स्टार्ट कर दी है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जी प्लांट मशीनरी लगाने के लिए जो पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की भी एक चीज दे दी है, एक लिमिट दे दी है, उससे कम है तो ये माइक्रो है। एंड टर्नओवर, टर्नओवर का क्या मतलब होता है जी, पूरे साल की सेल्स, एनुअल सेल्स, एनुअल रेवेन्यू, उसे कहते हैं हम लोग टर्नओवर। तो इन दोनों के बेस पर नई डेफिनेशन लाई गई है माइक्रो की, स्मॉल की और मीडियम एंटरप्राइजेस की। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, घर में कोई भी काम करे उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। आपकी मम्मी घर में खाना बना रही है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको बेचो, पापा को बेचना स्टार्ट कर दें, वो विल इट काउंट एज कॉटेज इंडस्ट्री, इट वॉन्ट, फिर क्यों नहीं कमर्शियली बेचना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर घर वाले घर वालों की ही मदद से घर में एक फैक्ट्री चला रहे हैं, बाहर का कोई भी वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया गया है,
तब वो अगर बाहर के किसी व्यक्ति को बाहर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले ली गई है तब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काउंट होगी। ये छोटा सा डिफरेंस है बस, दोनों का स्केल लगभग सेम होता है। कॉटेज इंडस्ट्री में भी छोटे लेवल की चीजें बनेंगी, पापड़ मोमबत्तियां माचिस की डब्बियां पैक होंगी, तेंदू बत्ता रोल करके बीड़ियां बनाएंगे, ठीक है कॉटेज इंडस्ट्री। अगर आपने बाहर के वेज अर्नर्स को लेबर को आपने एम्प्लॉय कर लिया, बाहर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी डाल ली, वो हो जाएगा जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, एमएसएमई मिनिस्टर जो हैं हमारे, इन्होंने एक विमेन के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्कीम चलाई है, एक ड्राइव चलाई है, नोन एज समर्थ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? नया वेंचर स्टार्ट करना, नया बिजनेस स्टार्ट करना। इस इनिशिएटिव से हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएंगे प्लस मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। मार्केट कैसे अपनी खुद जनरेट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, उसमें हेल्प करेंगे बहुत सारी विमेन कैंडिडेट्स को, ठीक है। रूरल भी होंगी और सब अर्बन एरियाज की भी होंगी। 2022-23 के में 7500 विमेन को ट्रेन करने का टारगेट है। क्वेश्चन सर इतना आएगा, समर्थ कौन सी स्कीम ने लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है, दो ही तरह क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे बस। किसने लॉन्च किया है? एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। किसके लिए? वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। सेकंड है अपने पास यूपीआई 123 पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप लोग यूपीआई इस्तेमाल करते रहे हैं पेमेंट्स के लिए? यस। फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत अच्छे, आपने सबने अभी तक अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके ही या तो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की है या फिर किसी और का यूपीआई आईडी लेके उसको ट्रांसफर पैसे किए हैं। अब विदाउट इंटरनेट, विदाउट स्मार्टफोन, नॉर्मल बटन वाले फोन जिन्हें हम लोग फीचर फोन कहते हैं, इनके लिए भी यूपीआई एनेबल कर दिया गया है। उसे क्या कहेंगे? यूपीआई 123। ये किसके लिए है? फीचर फोन विदाउट इंटरनेट के लिए यूपीआई 123। यूपीआई इनिशिएटिव किसका है, कौन सी एजेंसी का? हाँ देखो, ये ना डिप्लोमेट्स की अच्छी, मतलब वो काफी एक ऐसी आदत होती है कि बोलो भी और सुने भी ना सामने वाले को। किसने लॉन्च किया? यूपीआई किसने लॉन्च किया है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, एनपीसीआई का इनिशिएटिव है यूपीआई। एनपीसीआई बॉडी क्या चीज है भाई? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, श्योर। एनपीसीआई का एक्ट भी है, मतलब अपना कोई। फिर हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर की पावर से एग्जीक्यूटिव बॉडी है एनपीसीआई। एनपीसीआई 10 बड़े बैंकों ने अपनी शेयर होल्डिंग मिलाकर एक बॉडी बनाई थी बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल और बाकी पेमेंट सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के बाद इसको ये पावर्स दी गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी है बट सबसे बड़े 10 बैंक, और अब इसकी शेयर होल्डिंग बाकी जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इनके लिए भी खोल दी गई है। यानी ये भी इसका मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें अपना कैपिटल डालकर एनपीसीआई को और बेटर बना सकते हैं। एनपीसीआई का जो ये इनिशिएटिव है, जैसे यूपीआई,
क्या इसके और इनिशिएटिव्स के बारे में आप जानते हैं, जैसे NACH? डू यू नो व्हाट इज दिस, इज व्हाट दिस इज? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. जितने भी एटीएम चलते हैं वो कौन हैंडल करता है? फाइनेंशियल स्विच उनका जो हैंडल करता है वो ये बॉडी हैंडल करता है, NACH. ये प्री में 2017 के 18 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में. क्या आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS, क्या आप इसके बारे में सुन चुके हैं? मान लीजिए एक कंपनी है इंफोसिस, उसने अपने सारे ऑफिसेज में अलग अलग मान लो ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, मान लो अभी के लिए. अब उसको सारे एम्प्लॉयज का इकट्ठा बिल पे करना है, तो वो क्या करेगा? उसने BBPS पे इकट्ठे सबके एम्प्लॉयज का वो डिटेल डाला हुआ है, सीधा एक बटन दबाएगा, सीधी पेमेंट हो जाएगी सबकी इकट्ठी. इस तरह मास पेमेंट करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम. क्या आपने ये सुना है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी आधार कार्ड अगर आप अपना डालें उसके बिहाफ पर भी पेमेंट पॉसिबल है, AEPS. क्या आपने इसका नाम सुना है भीम, BHIM? क्या है ये? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम UPI. भारत इंटरफेस फॉर मनी UPI का बेसिकली एक UPI एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप किसी भी तरह की पेमेंट कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो. भीम ऐप है जो कि सरकार की अपनी UPI ऐप है, आपके बैंक की अपनी UPI ऐप हो सकती है, भीम सरकार की UPI वाली ऐप है. ये सारे इनिशिएटिव किसके हैं? NPCI. आपने रुपे कार्ड का नाम सुना हुआ है, पहले आप सुनते रहे हो यूरो कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा, इन तीनों को EMV कार्ड भी कहते हैं, यूरो पे, मास्टर कार्ड और वीजा, इन तीनों को मिलाकर. ये क्या है? पेमेंट गेटवे हैं, ये पेमेंट करवाना पॉसिबल करते हैं. दीज आर पेमेंट गेटवेज, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे देखोगे मास्टर कार्ड, वीजा, यही इन्हीं के होंगे. इंडिया ने सोचा क्यों ना मैं अपना पेमेंट गेटवे निकालूं, नोन एज रुपे. अब रुपे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इनको टक्कर दे रहा तीनों को, क्योंकि यहां पे सरकार ने अपने जो भी एम्प्लॉइज को कार्ड इशू किए वो सारे रुपे कार्ड इशू किए. ये सारे के सारे इनिशिएटिव किसके हैं? NPCI. NPCI पैसों के टर्म में वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी बनने जा रहा है. अभी जो UPI है ये दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का पेमेंट सिस्टम है. US को भी पीछे छोड़ चुके हैं हम, US में भी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमारी टेक्नोलॉजी उनसे आगे है इस चीज में, पेमेंट्स में. ठीक है, तो अपने आप में गौरव फील किया करो कि RBI NPCI ने कुछ हमारे भी आप पैसा किया है. तुम भी जाओ लगो RBI ग्रेड बी का पेपर दो, तुम भी चेक चेक के कहना मैं देखो मैंने कितना है. चलो डिजिटल पेमेंट कर सकते हो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, UPI 123. नेक्स्ट है जी NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने के लिए एक नई तरीके की बॉडी लाई गई है, NABFID. अगर आप UPSC दे रहे हैं तो यहां क्वेश्चन आएगा इसे रेगुलेट कौन करता है? आंसर विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक. इसे अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये पावर्स हैं कि ये रेगुलेट कर सके NABFID को. इकोनॉमी करते वक्त क्या आपने ये पढ़े हुए हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD. ये सारे क्या हैं?
These are all India financial institutions. AIFI. क्या ये खुद पैसा देते हैं आम लोगों को? Answer is no. They do not directly give credit to the common public. ये बाकी बैंक्स को पैसा देते हैं पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, और वो बैंक्स आगे लोगों तक उस स्कीम के अंडर पैसा लेंड करते हैं. जैसे हाउसिंग सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार कोई स्कीम चलाए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वो पैसा दे देगी नेशनल हाउसिंग बैंक को. बाकी बैंक जो भी आगे लोन देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें क्या होगा, मान लीजिए एक स्कीम है कि आप गए हाउसिंग बैंक का लोन है 10%, आवास योजना के अंडर गए, आपको वही लोन 5% में मिल रहा है, 5% सरकार पे कर रही है मान लो, तो वो पैसा जो 5% इंटरेस्ट वाला है वो एनएचबी बैंक को पे कर देगा. बैंक का अपना कोई नुकसान नहीं है, सरकार ने स्कीम चलाई नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू. एग्रीकल्चर में फ्री में मान लो यूरिया सब्सिडी देनी है, ठीक है, हालांकि वो फर्टिलाइजर कंपनीज को दिया जाता है, बट वो पैसा फर्टिलाइजर कंपनीज को कौन देगा? नाबार्ड देगा. यूरिया पे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कैसे दी जाती है, यू नो रिटेंशन प्राइस स्कीम पढ़ा हुआ है? नहीं. फर्टिलाइजर की सब्सिडी फार्मर्स को जब बहुत ही कम दाम में फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाना है, सरकार कहेगी जो आप यूरिया की बनाने वाली कंपनियां हो, आप ही किसान को सस्ते में फर्टिलाइजर बेचोगे. एक रेट बता देती है सरकार, इससे ऊपर नहीं बेचना. जो भी आपका ये डेफिसिट है प्लस आपको कुछ प्रॉफिट, इतना पैसा सरकार आपको दे देगी. सरकार डायरेक्टली किसान को ना देकर यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी को वो पैसा दे देगी. इस प्राइस को कहा जाता है रिटेंशन प्राइस. इससे नीचे ही आपने यूरिया का प्राइस रखना है. रिटेंशन प्राइस स्कीम फॉर यूरिया फर्टिलाइजर. यूरिया किस कौन से न्यूट्रिएंट के लिए होता है? नाइट्रोजन के लिए. बाकी न्यूट्रिएंट पोटैश, फॉस्फोरस या स्कीम न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी बात है. नहीं क्या तो भाई लिख लिया करो, हाथ चला लिया करो हल्का हल्का. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम. रिटेंशन प्राइस स्कीम हल्का सा नाम लिख लो, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नाम लिखो. जारी है सब कुछ? यस सर. कोई एक बंदा हाँ या ना बोल दो, ये हाथ उठा दो. यस सर. यस सर. ठीक है, इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख लिए हैं किस तरह के होते हैं. आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर एक और AIFI स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है NABFID. एज क्लियर फ्रॉम द नेम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग करने का काम करेगा. ये एक तरह का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह सेटअप किया गया है DFI. अब ये DFI क्या होते हैं, सुना हुआ है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, DFI किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी बना दी जाए उसे कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. बैंक का नाम सुना हुआ, IDBI बैंक. यह पहले एज ए DFI खोला गया था. कौन से सेक्टर के लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के
डेवलपमेंट के लिए। IFCI ये भी बैंक है क्या, सुना हुआ है IFCI? नो, हाँ, फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन से सेक्टर के लिए खोला गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। इस तरह के इंस्टीट्यूशन खोले गए थे 70s, 80s, 90s में एक पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। दीज आर नोन एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मोस्ट ऑफ द AIFIs, ये भी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट करेगा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा, नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, NHB हाउसिंग सेक्टर, ये भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं। एक पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। तो ये DFI की तरह खोला गया है एक नया बैंक नोन एज NaBFID। RBI रेगुलेट करेगा अंडर 1934 वाला एक्ट। पेपर में क्या आएगा, ये रेगुलेट करेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट नो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो बैंक, वो कोऑपरेटिव बैंक, वो इंस्टीट्यूशन रेगुलेट होंगे जो कि RBI के शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है। ये वाले RBI 1934 वाले एक्ट के शेड्यूल 2 में जो बैंक्स मेंशन्ड है, क्या ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं? हमने कहीं भी बात की? नो, दीज आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये खुद कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे। क्लियर? नेक्स्ट है जी, गति शक्ति मल्टी मॉडल। बस इतना एक बार बात करते हैं, गति शक्ति मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद ये करंट अफेयर देखते हैं। गति, स्पीड, शक्ति, द स्पीड ऑफ द पावर ऑफ स्पीड। आने जाने में आप स्पीडली आ जा सको, जहां से जहां मर्जी जाना हो, उड़ के जाना है, इनलैंड वाटरवे पे जाना है किश्ती पे, सड़क पे जाना है, रोड पे लेट के कट के मरना है, विच एवर यू वॉन्ट, जल्दी सरकार पॉसिबल पर करवा देगी तुम्हारे लिए। कौन सा प्रोग्राम है जी? गति शक्ति प्रोग्राम। मल्टी मॉडल का क्या मतलब है? तुमने यहां से नॉर्थ ईस्ट में मान लो घूमने जाना है, या फिर नक्सलवादियों से अपहरण होने जाना है, तुम्हारा मन आ गया मैंने जाना है, मेरे को माओवादी पकड़ के ले जाए, आई रियली वॉन्ट दैट एडवेंचर इन माई लाइफ, मान लिया है कोई, मेरे को पता है देयर इज वन पर्सन आई नो। अब तुम नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो, सीधी कोई फ्लाइट नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, मान लो गुवाहाटी जाना चाहते हो, ठीक है, कोई फ्लाइट नहीं है सीधी, ट्रेन भी कोई सीधी नहीं है यहां से चंडीगढ़ से, फिर कैसे जाओगे? कुछ रास्ता दिल्ली तक जाओगे बस पे, ट्रेन पे, फ्लाइट पे, वहां से फिर अगर उड़ान जैसी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, अगर इस स्कीम के तहत कोई फ्लाइट जा रही है वहां तक तो तुम बैठ के चले जाओगे, नहीं जा रही तो फिर वही ट्रेन पकड़ के जा, बिहार पूरा होते 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 3 दिन बाद पहुंचोगे गुवाहाटी ट्रेन पे। गुवाहाटी में भी आगे किसी गांव में जाना है यार, शहर में थोड़ी पकड़ेगा कोई मेरे को, गांव में जंगल में जाना पड़ेगा कहीं, फिर वहां की किसी लोकल नदी पे किश्ती पे ब्रह्मपुत्र में होते होते तुम जाके आराम से पहुंचोगे। ये क्या हो गया, तुमने कई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है, इसे हम कह रहे हैं मल्टी मॉडल। सरकार चाह रही है आपने लिटरली पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है इस कंट्री में, जैसे मर्जी जाओ, जितने मर्जी साधन उपयोग करके जाओ, उन सब की जो इंटरकनेक्टिविटी है इतनी अच्छी कर देंगे कि तुम्हें टाइम मिनिमम लगे, तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम पहुंच जाए। ये क्या है जी? गति शक्ति मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। क्या इसमें कोई एक मिनिस्ट्री शामिल है? आंसर इज नो। सड़क से जा रहे हो, बीच में
रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक बंद है, कभी एक घंटा भी लग सकता है वेट करने में, नहीं आ रही ट्रेन, उसने फाटक बंद किया हुआ है, क्या करोगे इस केस में? वेट ही करना पड़ेगा। बट अगर रोड मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री में संतुलन और ये बढ़िया है, तालमेल कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली फाटक तभी बंद होगा जब ट्रेन बिल्कुल जस्ट निकलने वाली है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट पहले कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा। अगर तुमने दिल्ली जाना है, मान लो यहां से पहले टैक्सी करके मान लो एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आईजीआई गए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, फिर वहां से अपने पते पे गए, अगर सरकार यहां से भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यहां की फ्लाइट सिस्टम, इन दोनों को बढ़िया कोऑर्डिनेट करवा दे कि तुम फ्लाइट पे उतरे, चेक इन किया, विद इन 5 मिनट तुमने फ्लाइट पकड़ी, वहां पे उतरे, विद इन 5 मिनट तुम्हें वहां पे बाहर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो गया, ये हो जाएगा आपका यहां का लोकल ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग, फ्लाइट सिस्टम और वहां वाले फ्लाइट सिस्टम का कोऑर्डिनेशन। इस तरह से सरकार सारे लेवल पर कोऑर्डिनेशन करवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बहुत सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में 16 ऐसे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाया जाएगा। इसमें पहला जो प्रोजेक्ट चलाया गया है वो क्या है, रेलवे का है प्रोजेक्ट, जो कि इन्होंने कार्गो टर्मिनल खोला है। कार्गो मतलब माल, माल ढुलाई जिसको कहते हैं, मालगाड़ी कार्गो। कार्गो टर्मिनल खोला है आसनसोल में इंडियन रेलवे के लिए, आसनसोल वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मोदी जी ने गतिशक्ति खोला था 21 में, 16 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसी को कह रहे हैं गतिशक्ति। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें 16 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज समझते हो क्या होता है क्या? हाँ, इनलैंड वाटरवेज तालाब हैं, नदियां हैं, रिवर राफ्टिंग करते वक्त अगर वाटरफॉल से जाना है, एज यू विश, तुम्हें सारा कनेक्टिविटी बढ़िया होगा। नेशनल वाटरवे वन कौन सा है? गंगा, क्या गंगा? गंगा से हल्दिया तक, हाँ सॉरी थोड़ा ऊंचा बोलो, प्रयागराज से कहां तक? हल्दिया तक, ठीक है। गंगा रिवर के कोर्स पर अलाहाबाद यानी प्रयागराज से एंड तक, जहां तक खत्म हो रही है, ठीक है, समुद्र में गिरने से पहले, वो है नेशनल वाटरवे वन। कितने नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया में? 5 नहीं है, अब 100 से ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेजर है, बट छोटे मोटे करते कराते अब 100 से ऊपर चले गए। ये पता है, सुनी हुई स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी, छोटे छोटे एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे, नो फ्रिल एयरपोर्ट होंगे, बस आप जाओ, प्लेन ही है सर वहां पे और कुछ नहीं है, कोई लड़कियां नहीं खड़ी मालाएं पहनाने के लिए, जूस देने के लिए, कोई वहां पे एक टिकट काउंटर बैठा है, वहां पे सड़ा सा क्लर्क बैठा होगा, टिकट लो जाओ यार, दिमाग मत लगा, बस टिकट लो, जैसे बस में बैठना है वैसे प्लेन में बैठो और दफा हो यहां से, ठीक है। छोटा सा नो फ्रिल्स एयरपोर्ट, कोई उस पर सेवाएं नहीं है, कोई एस्केलेटर नहीं लगे हुए कि तुम जा रहे हो ऐसे, वो सैक्सोफोन वाला म्यूजिक चल रहा है, कोई लिफ्ट नहीं है, कोई बुक वो वाला वो नहीं है, कोई तुम्हारे लिए लाउंज नहीं है ऐसे बैठने के लिए, दर्शाने के लिए मैं मेरे लाउंज में बैठा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पर, ठीक है। इसमें 2500 रुपए की टिकट, जहां से जहां मर्जी जाना है आपको 2500 रुपए तक की टिकट मिल जाएगी। कंडीशन है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगी जो 2500 वाली होंगी, और वो सबसे पहले बुक होती हैं हर फ्लाइट में, ठीक है। ऐसे एयरपोर्ट से जाने के लिए तभी वायबिलिटी बनेगी जब एयर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर वो 2500 में टिकट बेचेगी तो उसको फायदा कैसे होगा, वो बाकी टिकटें इतनी महंगी कर देगी कि आप सोच जा नहीं सकते, तो इसलिए 2500 वाली टिकटों पर सबसे पहले सबकी नजर होती है। नेक्स्ट, काला नमक राइस, ये चावल काले रंग का है हल्का सा, प्लस थोड़ा सा नमकीन है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग की हम बात कर चुके हैं कई बार, एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कहां से है जी? यूपी में ये उगता है, तराई रीजन में,
तराई रीजन कौन सा होता है जहां पर नदियां री इमर्ज हो जाती हैं? चलो ठीक है, ऊपर से लेकर रिवर के नीचे तक के कोर्स में सबसे भारी मटेरियल, सबसे बड़े बोल्डर सबसे पहले जमा हो जाते हैं, फिर उसे थोड़े से छोटे कंकड़ पत्थर, फिर थोड़ी सी और छोटी छोटी चीजें, फिर लास्ट में सबसे फाइनेस्ट अलूवियल जमा होती है डेल्टा के पास आते आते, है ना? तराई रीजन कौन से वाला है उनमें से? सबसे बड़े बोल्डर वाला, छोटे वाला, उसके बाद जहां रिवर री इमर्ज होती है, कि लास्ट वाला? लास्ट वाला है, ये सबसे ज्यादा अलूवियल फर्टाइल प्लेन है, ये फाइनेस्ट पार्टिकल है। नो, उसको क्या कहते हैं? खादर, बांगर, नहीं भाबर, बांगर, तराई, खादर, ठीक है? ऐसे होता है? नहीं, कि बांगर, तराई, भाबर, खादर होता है। बताओ भाई ज्योग्राफी वालों, सबसे ऊपर कौन से जमा होते हैं बड़े वाले बोल्डर्स, उसको क्या कहते हैं? भाबर, फिर उसके बाद खादर, हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है भाबर सबसे पहले जमा हो गया है और खादर बिल्कुल लास्ट में। ये दो बीच वाले बताओ जल्दी से। हाँ, ऑनलाइन वालों आज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा तो क्या है, सेकंड नंबर का है ना? दिस इज ओल्ड एलुवियम, दिस इज न्यू एलुवियम, ठीक है? ये हर बार जमा होती रहती है। भाबर में जो रिवर्स हैं वो गायब हो जाती हैं, तराई में दोबारा निकल आती हैं। ये मार्शी रीजंस होते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी खूब ज्यादा होती है, फॉरेस्ट एरिया खूब ज्यादा होता है। तराई रीजन में नॉन बासमती सेंटेड राइस वैरायटी है, जीआई टैग है, इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, ऑफरिंग टू लॉर्ड बुद्धा। अगर आप नोटिस करो, नेपाल के तराई रीजन में ही वो लुम्बिनी जो इनका बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, वो है। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड दो चार अच्छे अच्छे प्लेसेस बताओ, सारनाथ, बोध गया, और डेथ कहाँ हुई थी? हाँ, पावापुरी, पटना में, पक्की बात है कि कपिल वस्तु में, कुशीनगर में, कुशीनगर में, है ना? इनके लाइफ से रिलेटेड ये शहर वहर याद रखना, ठीक है? इसे बुद्धा राइस के नाम से भी रीब्रांड कर दिया गया है। काला नमक राइस यूपी, तराई रीजन, जीआई टैग, बुधा राइस, ठीक। नेक्स्ट है जी छोटा सा टॉपिक, श्रिंकफ्लेशन। पहले याद है कैडबरी की 10 वाली चॉकलेट बहुत बड़ी होती थी, अब धीरे धीरे 10 वाली ही है चॉकलेट, बट उसका साइज इतना छोटा 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 छोटा, छोटा होता जा रहा है। कल को वो एक ही टुकड़ा देंगे 10 रुपए। उन्होंने पैसे तो नहीं बढ़ाए, अपने प्रोडक्ट का साइज श्रिंक करते जा रहे हैं, यानी महंगा तो कर रहे हैं प्रोडक्ट, बट आपको पता नहीं चल रहा वो चीज। पैसे उतने रखे हुए हैं, चीज कम करते जा रहे हैं, तो पर क्वांटिटी तो महंगा हो ही रहा है ना क्वांटिटी टर्म्स में, तो इसलिए इस प्रोडक्ट, इस चीज को कहते हैं हम लोग श्रिंक इन्फ्लेशन। इज बेसिकली फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन, इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट While maintaining its sticker price. मैगी भी ऐसी है, आपके पेरेंट्स से पूछना, बचपन में 10 रुपए वाली मैगी उतनी होती थी जो अब 40 रुपए वाली है, अब 10 रुपए का कुछ आता ही नहीं, इतना सा छोटा सा आता है, उसे पेट भी नहीं भरता। मेरे को मत देखा, मैं मैगी खानी छोड़ चुका हूँ। नेक्स्ट, rather than increase the price, company simply offers a smaller package for the same sticker price. Next, एक रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब उन्होंने खोला है, कहां खोला है? आंसर इज बेंगलोर में, ठीक है? कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा फैक्ट है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान 228, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, वो कर लिया मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, क्या है ये? मिनी रत्न, नवरत्न के महारत्न, महारत्न है ये, नवरत्न, नवरत्न है महारत्न, ठीक है? महारत्न
जो लास्ट 3 साल से 5,000 करोड़ रुपए प्लस प्रॉफिट कमा रही हैं। स्टॉक मार्केट पर भी इनकी बढ़िया वो है, इतने साल से नवरत्न भी रह चुकी हैं। वो कंपनीज महारत्न में होती हैं, 10 कंपनीज हैं ऐसी टोटल, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान 228 इन्होंने बनाया है। क्या है ये? एक सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस है, स्मॉल एयरक्राफ्ट है। नॉर्थ ईस्ट में किसी को टैक्सी सर्विस चाहिए, कोई वीवीआईपी को लेकर जाना है, कोई मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एचएएल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, इंडिया की पहली मेडिकल सिटी शहर बन जाएगा जहां पर हर तरह का मेडिकल इलाज पॉसिबल हो पाएगा। कहां बनेगा जी? पुणे में। इसका नाम होगा इंद्रयानी मेडिसिटी। हालांकि हॉस्पिटल अपने नाम के साथ मेडिसिटी लगा देते हैं, मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव, बट गुड़गांव शहर जितना बड़ा अगर मेडिसिटी बना दें पुणे के साथ, तो ये हो जाएगा इंद्रयानी मेडिसिटी, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी सारी स्कीम्स को 3 क्लासेस में बस बांट दिया है, 3 तरह की अम्ब्रेला स्कीम्स में क्लासिफाई कर दिया है। पहला है जी मिशन शक्ति। शक्ति क्या होता है? पावर, एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। दूसरा है जी वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है? बच्चों के लिए केयर, वात्सल्य। तीसरा है पोषण 2.0। पोषण मिशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। पोषण मिशन देश में अंडर नरिशमेंट, मेल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए पोषण मिशन। पोषण 2.0 उसी पे ऊपर इंप्रूव करने के लिए है। मिशन शक्ति में एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। इसमें दो फर्दर कैटेगरीज हैं। एक है संबल। संबल का मतलब होता है सपोर्ट करना, ढाढ़स बंधाना, सहयोग करना। वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर, अगर किसी विमेन, किसी वुमेन के साथ गलत हुआ है कुछ, कोई रेप हुआ है, कोई असॉल्ट हुआ है, किसी और तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो शी कैन गो टू वन सिंगल प्लेस पर, इनकी पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज होगी, इनको मेडिकल हेल्प भी मिलेगी, इनका रिहैबिलिटेशन भी किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर। मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकोलॉजिस्ट बिठाया होगा, उसको कहेंगे वन स्टॉप सेंटर। महिला पुलिस वॉलंटियर, पुलिस में वॉलंटियर करने के लिए महिला पुलिस वॉलंटियर। वुमेन हेल्पलाइन, हेल्पलाइन यू नो। स्वाधार गृह, यहां पर ऐसी विमेन जो बहुत मुश्किल कंडीशंस में है, फॉर एग्जाम्पल तो बहुत ही डेस्टिट्यूट विमेन है, घर नहीं है, घर से निकाल दिया या किसी ने, बहुत ही ओल्ड ओल्ड एज विमेन है, बच्चों ने पास में नहीं रखा, या बच्चों बच्चे मर गए, अब जीने का कोई साधन नहीं है, कोई विडोज है, कोई इस तरह से अब्यूज की शिकार महिला है जिनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनके लिए क्या है? स्वधर गृह स्कीम। नेक्स्ट है उज्ज्वला। ये उज्ज्वला वो एलपीजी सिलेंडर वाला नहीं है, ये है विमेन की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, ठीक है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विमेन की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम है, जहां पर ना सिर्फ ट्रैफिकिंग की प्रिवेंशन की जाएगी, इसके साथ उनकी रिहैबिलिटेशन, अगर वो किसी और देश से हैं उनकी रिपैट्रिएशन, कोई मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो सब इस स्कीम के अंडर कवर होता है। नेक्स्ट, सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब उनमें कुछ बिल्डअप कर रहे हो, कैपेबिलिटी बिल्डअप कर रहे हो, यानी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की फीमेल्स, उनका जब मेटर्निटी फेज चल रहा है उस समय उनको कुछ पैसे साथ में दे देना, कि ताकि उनका जो जॉब लॉस हो रहा है मेटर्निटी की वजह से कुछ वो फुलफिल हो जाए, प्लस पैसे मिलेंगे तो न्यूट्रिशनली वो सही रह सकते हैं। माँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्कीम उसके लिए काम करती है। यहां पर क्या होगा? 3 शिफ्टों में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप पहले अर्ली रजिस्ट्रेशन करा देते हो कि मेरे बेबी होने वाला है,
तीसरे महीने लगभग पता चल जाता है, दूसरे तीसरे महीने वहां आप रजिस्टर करा दो कि आई एम प्रेग्नेंट। नेक्स्ट आप अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए जाओ, प्रीनेटल या एंटीनेटल चेकअप, मतलब आप चेकअप रूटीन में करवाने आओ, है ना, 6 महीने का जब ट्राइमेस्टर खत्म हो गया है, 8 महीने का। एंड देन आप अपनी डिलीवरी भी एक फॉर्मल सेटअप हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी करवा रहे हो, तब आपको तीसरी खेप मिल जाती है पैसों की। इसके साथ एक और स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना। मतलब जब भी आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी करवाते हो, तब आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आपको सरकार लेके भी जाती है, छोड़ के भी आती है, दवाइयां भी फ्री में देती है, वो है जननी सुरक्षा योजना। इन दोनों में मिला के टोटल 5,000 प्लस 1,000 रुपए 6,000 रुपए सरकार देती है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर की महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे? आंसर इज नो। सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs, इनको नहीं मिलेंगे। बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी महिला है वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की सारी स्कीम्स कहाँ है? सामर्थ्य में। सबसे बड़ा क्या है? मिशन शक्ति, संबल, जो दिक्कत में है महिलाएं, सामर्थ्य महिला का बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट और बाकी सब कुछ। अब बच्चों के लिए आ जाए वात्सल्य। यहाँ पर है चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। कौन कौन सी स्कीम है यहाँ पर? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। चाइल्ड प्रोटेक्शन, मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा हो गया, अब इसे स्टेट इसकी देखभाल करेगा अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। माँ बाप की लड़ाई हो गई है, दोनों ही बच्चे को रखने को तैयार नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। माँ बाप बच्चे को पीटते हैं, किसी ने कंप्लेंट कर दी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज बच्चे को ले जाएगा। इस तरह की चीजें ये हेल्प करते हैं बच्चे को देखभाल करने में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट है जी सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0। आंगनवाड़ी यू ऑल नो गांव में छोटे बच्चों के लिए 6 साल से, पोषण 2.0। यहां पे ICDS स्कीम, आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए नेशनल क्रश स्कीम, ये सारी इकट्ठी कर दी जाएंगी यहां पर, ठीक है। मिशन पोषण 2.0 क्या है? अगर पोषण और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये पहले एक और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलता है, इसको इसमें इकट्ठा कर दें तो ये हो जाएगा पोषण 2.0। न्यूट्रिशन कंटेंट, आउटरीच, डिलीवरी, ये अच्छा करना है बच्चों का, सिंपल था। नेक्स्ट वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी हम पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। कहीं पर भी आप देश में रह रहे हो, राशन कार्ड के तहत जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, लेट्स से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, लेट्स से PDS के अंडर, लेट्स से अंत्योदय अन्न योजना के अंडर, अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, PDS, RPDS, TPDS और नया है IMPDS, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS। ये फर्क क्या है इनमें? TPDS, RPDS, PDS और IMPDS में? हाँ जी, टारगेट दोबारा बोलो। TPDS में या IMPDS में, किस में? TPDS में, आंसर ठीक है बिल्कुल। PDS स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, FCI, NAFED, कॉटन कॉरपोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सरकार की ये एजेंसियां खासकर किसान से MSP पे फसल प्रोक्योर करेंगी। FCI स्टेट गवर्नमेंट को ये फसल कुछ बफर स्टॉक रखने के बाद बाकी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को बेचेगी एट सेंट्रल इश्यू प्राइस। स्टेट गवर्नमेंट अपने PDS प्रोग्राम में ये अनाज
फेयर प्राइस शॉप्स को पहुंचवाएगी और फेयर प्राइस शॉप्स आगे अंडर दीज स्कीम्स एनएफएसए अंत्योदय अन्न योजना या स्टेट की कोई स्कीम चलती है जैसे पंजाब की आटा दाल स्कीम, उस स्कीम के अंडर गरीबों को बीपीएल को सस्ते में ये अनाज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें की हुई है। चलो, जब इकोनॉमी जिन्होंने नहीं किया हो जाएगा उसमें ये चीज, जिन्होंने कर ली है उनको हल्का सा रिमाइंडर रिवीजन हो गया है। क्लियर? पीडीएस खोला गया था जब देश में फूड शॉर्टेजेस थी 60s में, लोगों तक बेसिकली खाना ही पहुंचाना था। फिर सोचा गया कि इसको 90s में 91-93 में इसको थोड़ा सा करप्शन कम करते हैं, इसमें लीकेजेस कम करते हैं, इसको कर दिया गया रीवैम्प्ड पीडीएस, रीवैम्प कर दिया गया 93 में। रीवैम्प मतलब करप्शन लीकेज ये सब कुछ कम करने के लिए। 97-98 में क्या कर दिया गया इसको टारगेटेड पीडीएस। अब यहां से पुअर वल्नरेबल ऐसे लोग जो ट्राइबल एरियाज में हैं, जो हिली एरियाज में हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया कि इनको आइडेंटिफाई करो। स्टेट की जो बीपीएल कैटेगरियां बनी हुई हैं, लिस्ट बनी हुई है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो उन्होंने लकड़ा वाला कमेटी की हुई ना, लकड़ा वाला कमेटी, रंगाराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी लाइन वाली हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। लकड़ा वाला कमेटी के बेसिस पर जो पुअर आइडेंटिफाइड हैं, उन पुअर को टारगेट करके दो खाना, वो है टारगेटेड पीडीएस। ठीक है, और अब नया क्या आ गया है, आईएमपीडीएस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस। यहां क्या होने वाला है, स्टेट्स के जो अलग अलग पीडीएस चलते हैं उन सबको इंटीग्रेटेड तरीके से मैनेज करना है अंडर आईएमपीडीएस। ठीक है, ताकि वन नेशन वन राशन कार्ड पॉसिबल बनाया जा सके। ठीक है, कुछ एक हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, एक जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कौन छापता है जी, यूएन छापता है। यूएन का एक पर्टिकुलर बॉडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में इंडिया 136वें नंबर था 180 में से आई थिंक, और फिनलैंड ने टॉप किया है। ये नॉर्डिक कंट्रीज, अभी मोदी जी गए भी हुए हैं आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, उन देशों से इकट्ठा मिले थे, पहले जर्मनी गए थे अब वहां गए हैं। ये इतने खुश क्यों है देश, सनलाइट तो आती नहीं इनके पास, वो टेम्परेट रीजन में रहते हैं ऊपर जाके, खुश कैसे हैं इतने। वर्ल्ड हैप्पीनेस टॉप, हाउ है लाइफ, कैसी है, आप खुश नहीं हो इंडिया में, नहीं हो क्या, नहीं आपके पास एसी बाहर है फिर भी तुम एसी में बैठे हो, बढ़िया तुम्हें यहाँ पे चेयर पे बिठाया है, बढ़िया तुम्हें यहाँ पे सब बड़ा टच स्क्रीन ऐसे कराते होंगे और कैसे कराते होंगे, होपफुली तुम्हें टीचर भी ठीक ठाक मिले हुए हैं, और क्या कमी क्या है दुनिया में, जिंदगी में इतना बढ़िया मार्केट है आसपास, बढ़िया खाना पीना है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कमी क्या लाइफ में। अब ये मत कहना बस गर्लफ्रेंड रह गई है, भगवान फिनलैंड में पैदा करता मुझे, वहां पे आसानी से हो जाता सब कुछ, यहाँ इंडिया में तो ऐसा तो नहीं है, यही नहीं लिया खुल खुल के ऐसे निकली है पहली बार लड़कियों क्या दिक्कत है, मतलब पॉवर्टी अच्छा नहीं है फिनलैंड में, कह रहे थे अच्छा है, यहाँ अच्छा क्या नहीं है बताओ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है,
ऐसे लोग टांटा बहुत करते हैं सड़कों पे, क्या व्हाट पावर्टी क्या अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे वहां क्यों अच्छे हैं, खुश क्यों है लोग, क्लाइमेट क्राइम क्राइम तो आप लोग कौन से यहाँ रोज चाकू मारते हो एक दूसरे को, मैंने तो देखे नहीं क्राइम सड़कों पे होते होंगे। हाँ डेली नीड्स पूरी है, हम लोग भूखे सोते हैं सारे, एनवायरनमेंट अच्छा है वहां का। एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी ठीक है, ये सारी बातें सही हैं और आपके सबके पॉइंट सही हैं, गर्लफ्रेंड वाला पॉइंट भी सही है। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे खुशी वाला पॉइंट है, वहां पर लोगों में इक्वालिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, वहां पर लगभग बराबरी सी है, इसलिए लोग दूसरों से ईर्ष्या और दुख नहीं करते। मेल फीमेल के अंदर भी जेंडर पैरिटी खूब ज्यादा है, अगर आप वो मोदी जी की फोटो देखो जिसमें वो उनके हेड्स ऑफ स्टेट के साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ एक स्टेट वाला जो है वो मेल है हेड, बाकी सबकी फीमेल हेड है। ऑब्वियसली वी शुड मेक मोर प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आउट ऑफ फीमेल्स, मे बी दैट इज दी है ना राज टू हैप्पीनेस, सबके हाँ 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 ऐसे करना चाहिए। ठीक है, साथ में एम्प्लॉयमेंट सबके पास है, सरकार सबको खूब सारा बेनिफिट देती है, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री प्रोटेक्शन, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, सब कुछ देता हूँ, कॉलेज लेवल तक बहुत सब कुछ फ्री 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 है। ऑब्वियसली वो आपकी 100 रुपए कमाई में से 60% टैक्स के फॉर्म में ले जाएंगे, बट आपको बाकी सब कुछ फ्री होगा, फिर भी आपको लगता है कि यार 40 रुपए तो एक्स्ट्रा फ्री में एंजॉय करूंगा। नेक्स्ट यूएन की है एक और वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएन वाटर के बिहाफ पे यूनेस्को रिलीज करता है वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस बार का जो था थीम था वो ग्राउंड वाटर था, और ग्राउंड वाटर में इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर फॉलोड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। हम लोग ग्राउंड वाटर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हाउस होल्ड्स, ये हमारा वाटर का यूजेज पैटर्न है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है इरीगेशन के लिए। एग्रीकल्चर में हमारी वेस्टेज भी बहुत ज्यादा है जी, हम लोग फ्लड इरीगेशन करते हैं, माइक्रो इरीगेशन पे कोई खास है नहीं हमारा फोकस, इन चीजों को पॉइंट आउट किया गया है यहां पर, क्या वाटर बहुत वेस्ट कर रहे हो, बचा लो। एक नीति आयोग की हमने ये भी पढ़ी हुई है कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है, इसके अकॉर्डिंगली इंडिया 2030 तक एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बन जाएगा, हमारे लिए पीने का भी पानी नहीं बचने वाला है, बहुत ही डायर सिचुएशन आने वाली है। मैं तो बिस्लेरी ला के पी लूंगी, मेरे को क्या है, अरे बिस्लेरी वाला कहां से पानी लाएगा, उसको भी तो लाना पड़ेगा, वो कौन से हिमालय के ग्लेशियर तोड़ तोड़ के लाएगा, पानी खत्म हो जाएगा हमारे पास 2030 तक अगर हम ऐसे चलते रहे तो। नेक्स्ट नए पॉलिसी इनिशिएटिव है कुछ कुछ, पहला है पंजाब में होगा, यू आर राइट, हिमाचल वाले तो फिर भी ठीक बैठे हैं अभी, और फिर भी तुम्हें चंडीगढ़ चाहिए, क्यों चाहिए यार, इतना कुछ तो है तुम्हारा, पानी भी है। हरियाणा वाले देखो, और उससे पहले हरियाणा वाले मरेंगे, उनको सतलुज यमुना लिंक करना पंजाब वाले देने को तैयार। नेक्स्ट स्त्री मनोरक्षा, मनोरक्षा मतलब मेंटल हेल्थ, स्त्रियों की मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है नोन एज स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, किसने चलाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस नीमहंस बेंगलुरु। होमवर्क, कोविड के टाइम इंडिया वाइड लेवल पर सरकार ने मेंटल हेल्थ प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया था, फाइंड आउट द नेम, कोविड टाइम में 2020 में इंडिया वाइड लेवल पर मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया था, उसका नाम ढूंढकर आएंगे।
नेक्स्ट है जी हमारे पास संभव और स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या होता है? अपने पैरों पर खुद खड़े होना, स्वावलंबी होना, संभव पॉसिबल होना। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है। ये किसके लिए है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। लास्ट भी पीडीएफ में हमने कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो? कोई वर्ल्ड की बॉडी की मीटिंग हुई थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रही थी। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कर ले। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए अगर आप जैसे लोगों को उत्साहित किया जाए कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग का, उसमें एमएसएमई मिनिस्ट्री आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देगी। वो है संभव और स्वावलंबन स्कीम। ठीक है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है, खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग। जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए ये चलाया जा रहा है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, लेबर मिनिस्ट्री ने डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मान लीजिए मैं अच्छा खासा अमीर बंदा हूं, बढ़िया 2-3 बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, एक कुक भी रखा हुआ है, 2 ड्राइवर रखे हुए हैं, एक सफाई वाला है, एक कोई और है, एक कोई और है, एक कोई और है। ठीक है, इन लोगों की कोई पेंशन नहीं लगने वाली। जिस दिन ये ड्राइवरी करना रोकेगा उस दिन खत्म। प्राइवेट नौकरी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, नो पेंशन ऐसे लोगों के लिए। श्रम योगी मानधन में मैं इनके बिहाफ पर कुछ पैसे डाल सकता हूं ताकि जब ये 60 एंड अबव के हो जाए इनको भी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाए। जितना मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा एज एम्प्लॉयर उसका कुछ मैचिंग कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी, उसे कहते हैं श्रम योगी मानधन। आप अपने सर्विस वर्कर्स के लिए उनकी पेंशन डोनेट कर रहे हो। कुछ 500,000 रुपए महीना से आप करोगे, बदले में सरकार भी कुछ उतना 1,000-2,000 रुपए तक सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। जब वो 60 के हो जाएंगे उनको 3,000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पीपल टू कंट्रीब्यूट पेंशन फंड टू देयर सपोर्ट स्टाफ। श्रम योगी मानधन में क्या है? वॉलंटरी है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 2019 में आई थी, प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिनकी 15,000 से मंथली इनकम कम है, इस साल के एज ग्रुप वाले एनरोल कर सकते हैं। इसमें 3,000 की पेंशन 60 के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी मिनिमम। अगर सब्सक्राइबर मर जाता है तो उसकी वाइफ को, स्पाउस को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 50% पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन डे पे मिनिस्ट्री ने और यूनिसेफ ने चलाया है कन्या शिक्षा प्रवेश। जो बच्चियां पढ़ाई अपनी छोड़ गई हैं 11 से 14 साल की, उनको वापस स्कूल सिस्टम में लेकर आया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन प्लस यूनिसेफ, कन्या शिक्षा प्रवेश। आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको वापस लाना है टू ब्रिंग देम बैक इनटू द फॉर्मल एजुकेशन और स्किलिंग सिस्टम 11 से 14 साल की लड़कियों। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान, जो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और उनके डिपेंडेंट उनको फाइनेंशियल बेनिफिट और पेंशन दी जाती है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान। नेक्स्ट, उन्नति, मनरेगा वर्कर्स को उनकी स्किल बेस बढ़ाने के लिए है प्रोजेक्ट उन्नति। मनरेगा कौन से मिनिस्ट्री चलाती है? रूरल डेवलपमेंट। ठीक, पेसर स्कीम। पेसर स्कीम सिंपली पूछा जाता है किससे कनेक्टेड है, बस आंसर क्या है? इंडिया में जितने भी ऐसे रिसर्च किए जा रहे हैं जो पोल्स के या हाई एल्टीट्यूड बर्फ के, आर्कटिक के, एंटार्कटिक के, अपने हिमालयाज में ऊपर क्रायोस्फीयर जिसको कहते हैं, उनके जो रिसर्च है उनको इकट्ठा करके एक स्कीम बना दिया है पेसर स्कीम। एंटार्कटिक प्रोग्राम, आर्कटिक प्रोग्राम,
सदर्न ओशियन प्रोग्राम, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम. सदर्न ओशियन कौन सा है? नीचे यहाँ एसएनएम के नीचे वाला सदर्न ओशियन. एंटार्क्टिक ओशियन. एंटार्क्टिक वाला सदर्न ओशियन है. एंटार्क्टिक ओशियन नहीं है फिर वो? नो सर, सदर्न ओशियन है ही नहीं. बड़ी गलत बात है यार, आर्कटिक ओशियन तो दे रखा है. देर आर ओनली थ्री ओशियंस इन द वर्ल्ड, एक्चुअली फोर ओशियंस, आर्कटिक, इंडियन पैसिफिक, अटलांटिक. आर्कटिक भी नाम का ही है, उसका कुछ नहीं है, पानी ज्यादा पानी नहीं है. मेनली तीन ही बड़े ओशियंस है. सदर्न ओशियन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन एंड पैसिफिक का थोड़ा सा, बट चलो हमने इसकी नई डेजिग्नेशन करनी स्टार्ट कर दी है. नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में ये प्रोग्राम पेसर चलाया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना नया मैस्कॉट शेरा के नाम से जारी किया है. शेरा किस स्कीम के अंडर प्रमोट किया जा रहा है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप. आपको बस स्वीप क्या है? इलेक्शन कमीशन का वोटर को जागरूक करने का एक इनिशिएटिव है स्वीप. शेरा एक इलेक्शन मैस्कॉट है जो पंजाब ने इलेक्शन को जागरूक करने के लिए लोगों को बनाया. स्कूल में रहकर रेजिडेंशियल एजुकेशन है स्टूडेंट्स के लिए. हाई स्कूल्स में, हाई स्कूल कौन सा होता है? ट्वेल्थ तक का हाई स्कूल. कुछ एक एरियाज में, टारगेटेड एरियाज में. कौन से लोगों के लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों के लिए जो कि मेरिटोरियस हैं. मेरिटोरियस मतलब काफी होशियार हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं. उन बच्चों के लिए रेजिडेंशियल लर्निंग है कि वो ताकि स्कूल छोड़ ना जाए, ड्रॉप आउट रिड्यूस इससे होगा. कौन से मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, एससी एसटी माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, हैंडीकैप, चिल्ड्रन नहीं हैंडीकैप, ये वाले सेक्शंस कहीं पर मेंशनड हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इंक्लूड होगी. एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज, ये तीनों तो खासकर. ठीक है, नेक्स्ट है रोपवेज. रोपवेज क्या होता है? वो टिम्बर ट्रेल गए हो कभी? चलो वहां नहीं गए, ऊपर शिमला में कहीं पे रोपवे लेकर, मसूरी में कहीं पर वो एक डब्बा सा होता है, रोप के ऊपर बंधा होता है, आप नीचे जा रहे हो उसके साथ, वो चीज है रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम. पर्वतमाला भी कह रहे हैं इसको. ये डेवलप किया जाएगा हिली एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए. सड़कें तो हर जगह बना नहीं सकते भाई, तो इसीलिए सीधा ही लोगों को पीपीपी मोड में ये चलाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, जेएंडके, बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट पर्वतमाला. भारतमाला क्या चीज है जी? व्हाट इज भारतमाला? होमवर्क, फाइंड आउट व्हाट इज भारतमाला परियोजना, व्हाट इज सागरमाला परियोजना, ये दोनों. पोर्ट लेट डेवलपमेंट नेटवर्क. भारतमाला क्या है? रोड्स के नेटवर्क को इंप्रूव करना. इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है पर्वतमाला. ओके, लास्ट दो टॉपिक्स आज के लिए. पहला है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उनके लिए नई स्कीम लाई गई है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा, नोन एज स्माइल. ठीक है, मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्माइल स्कीम, ट्रांसजेंडर, बस इतना ध्यान रखना. नेक्स्ट, न्यू इंडिया लिटरेसी. ये लास्ट टाइम मैं आपको पूछ रहा था, एडल्ट एजुकेशन के लिए एक नई स्कीम लाई गई है, इसका नाम क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम.
नई स्कीम है एडल्ट एजुकेशन के लिए, न्यूमरस स्कीम्स के लिए बेसिक एजुकेशन 5 साल के लिए स्कीम है, 5 करोड़ लोगों को 1 करोड़ पर साल ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम के तहत ओटलस के तहत पढ़ाया जाएगा। 15 साल से ऊपर के जो भी अनपढ़ लोग हैं उनके लिए ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक, चलो आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हेल्थ सेक्टर और थोड़ी सी है, 3-4 ही है इसके हेल्थ सेक्टर की, जल्दा नहीं, ठीक है नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम नई पीडीएफ भी आएगी, यानी जनवरी और दिसंबर महीनों के लिए, वो भी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, फटाफट से आपके एटलीस्ट 5-7-8 महीनों के भी कवर हो जाए ना, आपका एकदम हो जाएगा कि हाँ यार ठीक है काम कर लेना भाई, साथ साथ रिवाइज। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, चलो ठीक है जी।